Hi, good morning, my dear student. Today, we are going to continue our class 12th history, the previous year board paper. Class 12th history. CBSC exam examination CBSC examination CBSE examination board paper Delhi 20 plus RT 7 My dear student, if you have remember, we had discussed, हम कर चुके थे last class में discuss question number 15, 16 तक what was the solve? Question number 16. What was the साल्ट लॉ? हमने साल्ट लॉ के बारे में डिस्कस किया था. आंसर में मैंने आपसे कहा था कि साल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू साल्ट लॉ, स्टेट हैड द मोनोपोली इन द मैन्युफैक्चर्स एंड सेल ऑफ साल्ट. द स्टेट has monopoly, state has monopoly क्या करने के लिए? नमक को बनाने और बेचने के लिए. monopoly in the manufacture and the sale of salt. एक पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट में आप इसको लिख सकते हैं. द कॉमन पीपुल हैड नो राइट कॉमन पीपुल हैड नो राइट क्या करने के लिए? मेकिंग साल्ट इवन फॉर डोमेस्टिक यूज. मेकिंग साल्ट एंड या एंड राइस आप मेकिंग साल्ट इवन डोमेस्टिक यूज. डोमेस्टिक यूज भी नहीं कर सकते थे. इस प्रश्न को कल मैंने आपसे चर्चा की थी. माय डियर स्टूडेंट,
जब भी आप इस प्रश्न पे बात करें तो आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन द साल्ट मार्च दैट क्वेश्चन राइज इन योर एग्जाम, फर्स्ट यू हैव टू थिंक कि इसमें कौन सी चीज है, ये मूवमेंट कहां से चला, नेशनल मूवमेंट के किस मूवमेंट से ये कनेक्टेड है. ये सारी बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए. जैसा कि कल मैंने अपने लास्ट 10 मिनट में इस पर चर्चा की थी, सिविल डिसोबीडियंस पे मैंने बात किया और सिविल डिसोबीडियंस में गांधी जी की कुछ डिमांड्स थी जिसको ब्रिटिशर्स ने नहीं माना, तो गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह शुरू किया. मैंने डेट बताई थी 12 मार्च 1932, 6 अप्रैल 1930. मैंने प्लेस बताया था साबरमती टू दांडी. मैंने फॉलोअर्स बताए थे 78 फॉलोअर्स के साथ 241 माइल्स की दूरी उन्होंने तय की, समुद्र के किनारे गए, नमक कानून तोड़ा. और नमक को उन्होंने आधार क्यों बनाया, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है. तो नमक को आधार बनाने का सिर्फ एक ही रीजन था कि साल्ट दैट वॉज द बेसिक नीड फॉर द ह्यूमन बींग्स, ऑल ह्यूमन बींग्स, आइदर ही इज प्रॉस्परस और इज पुअर, या वो गरीब हो या तो धनी हो, सभी के लिए नमक सबसे आवश्यक चीजें थी जिसपे हाई रेवेन्यू टैक्स इम्पोज किए गए थे. इसीलिए गांधी जी ने बड़ी चतुराई के साथ क्या किया, नमक को ही आंदोलन का मेन वीपन बना लिया, हथियार बना लिया, और गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह का एक मूवमेंट चला दिया. अभी देखते हैं, कहते हैं व्हाट वाज द साल्ट लॉ, द स्टेट साल्ट लॉ, द स्टेट हैज मोनोपोली इन द मैन्युफैक्चर एंड द सेल ऑफ साल्ट एंड कॉमन पीपुल हैड नो राइट मेकिंग साल्ट इवन डोमेस्टिक यूज. तो जब डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं कर सकते वो, तो बेचने की तो बात दूर की है, वो उसे भी नहीं कर सकते थे, ना वो बेच सकते थे और ना ही वो इसका उपयोग अपने अपने खर्च के लिए कर सकते थे, घरेलू आवश्यकता के लिए कर सकते थे. सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट. ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर 17 को देखें. क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, बोर्ड के पेपर को देखिए सभी लोग, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिखेगा उसमें क्लियर. क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन of subsidy alliance which one of the provision of subsidy alliance was not applicable was was not applicable was not applicable on our in 1801 ये आपका क्वेश्चन है. आंसर में मैं आपको कुछ आई होप दिस क्वेश्चन वाज आल्सो डिस्कस्ड बाय मी इन योर प्रीवियस क्लास. मैंने इस क्वेश्चन पे भी बात किया था आपकी लास्ट क्लास में. तो लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी प्रोविजंस के बारे में, मैंने बात की, मैंने कहा था कि द ब्रिटिश
would be responsible for protecting their ally from internal and external threats. The British contingent would be stationed in the territory of the ally. The ally would provide resources to minimum the British contingent, and the ally was free to enter into agreement with other rulers without the permission of the British. So without the permission of the British, rulers had no right to make any treaty or kuch bhi, nothing else. Subsidiary alliance mein kuch provisions thi. Sabse pehle, first you have to think about the subsidiary alliance. Kab shuru kiya gaya? Subsidiary alliance shuru ki gayi 1798, Lord Wellesley, Governor General of Bengal, हम इसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं. लॉर्ड वेलेसली स्टार्टेड द सब्सिडियरी अलायंस. व्हाई? बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, द वन अदर फोर्सेस, द फॉरेन फोर्स, आई मीन टू से दैट फ्रांसीसी, दे वर आल्सो ट्राइड टू सेटल हिमसेल्फ इन इंडिया प्रॉपरली. आई मीन टू से दैट दे वांट टू चेंज देयर status as a trading company. So it was the major task on the front of Lord Wellesley. 1798, Lord Wellesley implemented the policy subsidiary alliance. According to subsidiary alliance, the local rulers had to appoint the one resident in their court. First point. Second point, the local rulers who signed on this treaty, they had to expenses all the allowances and the expenses of the army, British army, who stationed in their territory. Third point, it is the duty of the Britishers to provide the local state their security, their protection, internal and external problem that was solved by the this resident and the troops or the military who is stationed in their territory. Third point, the local rulers had no right to make any type of treaty and the ceremonial relation also without the permission of the Britishers. There are three important points in subsidiary alliance. First, state who adopted this, who signed on this treaty, that was Nizam of Hyderabad. Thereafter Tanjore, thereafter Mysore, then after Awadh in 1801. अब चार लोगों ने किया, हैदराबाद, निजाम 1798 पहला स्टेट था, तंजौर दूसरा, मैसूर 1799 तीसरा, और चौथा स्टेट था अवध 1801. तो ये चार स्टेट, इसके अलावा भी जयपुर, जोधपुर, मुच्छेड़ी, बूंदी, पेशवा, भोसले, सिंधिया, सभी ने सिस्टम से सबने सब्सिडी अलायंस पर सिग्नेचर कर दिया. सब्सिडी अलायंस कि जो महत्वपूर्ण बातें थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहला कि जो स्थानीय शासक था जो सब्सिडरी अलायंस पे सिग्नेचर करता था वो पूरी तरीके से बाध्य था. ही वाज कंपेल्ड टू फॉलो द रूल्स व्हिच वाज सेट बाय द ब्रिटिशर्स. क्या रूल्स थे? मैंने आपसे कहा पहला रूल्स था कि लोकल रूलर को अपने कोर्ट में रेजिडेंट को अपॉइंट करना पड़ता था. दूसरा पॉइंट था
लोकल रूलर्स को रेजिडेंट और रेजिडेंट की सेना के खर्च को भी देना पड़ता था अपने खजाने से। इट मीन ब्रिटिश की सेना लोकल रूलर्स के टेरिटरी में रहेगी और उसका खर्च ब्रिटिश की जगह लोकल रूलर देगा। तीसरा पॉइंट था कि लोकल रूलर बिना ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के बिना किसी दूसरे राज्य से ना हो तो कोई ट्रीटी कर सकता था और ना ही किसी दूसरे राज्य से युद्ध कर सकता था। ना वारफर हो सकती थी, ना ही कोई ट्रीटी हो सकती थी। और चौथा पॉइंट था कि जो आंतरिक मुद्दे और बाह्य मुद्दे, आई मीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, दैट वाज प्रोटेक्ट बाय ब्रिटिश आर्मी। जो रेजिडेंट की आर्मी थी उसके द्वारा राजा के आंतरिक मुद्दे और बाह्य मुद्दे दोनों को क्या किया जाएगा, व्यवस्थित करने की प्रॉमिस किए गए थे ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। अब यहां पे तीन चीजें आप ध्यान दीजिए। पहली चीज कि रेजिडेंशियल सिस्टम में, इस सब्सिडी अलायंस में, जो पहली बात थी एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, ड्यूटी किसके ऊपर डाली गई थी, वो जिम्मेदारी थी रेजिडेंट के ऊपर। लेकिन जब 1801 में अवध आक्सन हो रहा है, अवध वेन आक्सन इट वॉज 1801, तो जब अवध को क्या कह रहा है, मिलाया जा रहा है ब्रिटिश एम्पायर में, तब रेजिडेंट सिस्टम लागू थी, उसके बाद भी अवध के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि अवध अपने क्षेत्र का शासन ठीक से नहीं चला पा रहा और जरूरत है कि इस एम्पायर को ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बना लिया जाए। आउट्रम, जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट थी, बिशप एकर की रिपोर्ट थी, उन लोगों ने एक सुर में कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए कि अवध को शासन, अवध को अपने में क्या मिला ले, अपने राज्य का हिस्सा बना ले। क्यों मिला ले? क्योंकि अवध का शासन ठीक से रन नहीं कर पा रहा है। अब यहां पे कुछ और बातें, जैसे अभी मैं जरा अवध की कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। अवध क्यों चाहते थे ब्रिटिशर्स अपने राज्य में मिलाना? वाई द ब्रिटिश रूलर वर मोर क्यूरियस टू मर्ज अवध एज ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट के रूप में अवध को मर्ज कर दिया जाए, इसके लिए ब्रिटिशर्स क्यों इतना उत्सुक थे? तो पहला, अवध की कुछ इंपॉर्टेंस थी, इंपॉर्टेंस ऑफ अवध। क्या थी भाई इंपॉर्टेंस ऑफ अवध? पहला आप देखिए, इट वॉज अवध वॉज हॉट ऑफ नॉर्थ इंडिया। सेकेंड पॉइंट, अवध वाज नर्सरी या ऐसी करें अवध वाज, वेट वन मिनट, अवध वाज नर्सरी ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिश आर्मी। अवध क्या थी? नर्सरी थी ब्रिटिश आर्मी। ओके, तो अवध वाज नर्सरी ऑफ ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी की अवध क्या थी? नर्सरी थी। इट मींस बड़े पैमाने पे ब्रिटिश आर्मी को जो जवान मिलते थे, आर्मी मिलती थी, वो अवश्य मिलती थी। थर्ड पॉइंट था, इट वाज प्रोमिनेंट मार्केट सेंटर ऑफ ब्रिटिश इंडिया।
was also fertile. फर्टाइल है। अगर आप मैप पे देखें तो आप अवध दिखेगा सीधा सीधा गंगा के द्वाबा में। ये गंगा का द्वाबा सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, तो अवध इसलिए भी था। अवध वाज बफर जोन फॉर द ब्रिटिश इंडिया, फॉर द ब्रिटिश आर्मी, फॉर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश इंडिया के लिए, ब्रिटिश आर्मी के लिए अवध सबसे महत्वपूर्ण क्या था? अवध सबसे महत्वपूर्ण था, उनको ये सारे रिसोर्स देना था। ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ नेचुरल रिसोर्स भी बड़े पैमाने पे अवध से अंग्रेजों को प्राप्त होते थे। एक्चुअली अवध वाज द मार्केट सेंटर, सो दैट्स व्हाई देयर इंपॉर्टेंस इज ऑब्वियसली। क्या होते थे कई टाइम्स, टाइम टाइम क्या बढ़ते जाते थे, इसलिए अंग्रेज अवध को भी चाहते थे कि मिलने। सब्सिडरी अलायंस अवध के ऊपर थोपी गई थी। सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज ऑन अवध ड्यूरिंग 1801, बट इट वॉज ऑक्शन ड्यूरिंग 1856 फाइनली अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विच वॉज इंप्लीमेंटेड, विच वॉज इंट्रोड्यूस बाई डलहौजी। 1856 में अवध को किया गया। कहता है कि कितने साल, 1801 से लेकर 1856, 55 साल, 55 ईयर तक ये अवध क्या था, इसी तरीके से चल रहा था। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि हमें अवध को भी क्या करना चाहिए, ले लेना चाहिए। आपके बुक में अवध को अच्छे से बताया है कि जब नवाब अवध छोड़ के जा रहे थे एग्जाइल, जब उन्हें भेजा गया कलकत्ता, तो पीछे पीछे बड़ी दूर तक अवध के लोग रोते हुए गए, अंग्रेज बहादुर आइन लय लीनो सरकार। तो एक गाना है अवधि में, वो भी आपके बुक में है। When you will read, you can easily understand the problem of the people of Awadh and the problem of the Awadh Nawab. He was helpless. He can't do anything during that time because he was totally dependent on the British resident. And result, Awadh was finally merged in the British Empire. That is also the one reason for the revolt 1857. तो चलिए अब ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद का क्वेश्चन आपका है, आपका जो क्वेश्चन था मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर जो हमने क्वेश्चन नंबर 17 था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द सब्सिडरी अलायंस वॉज नॉट अप्लीकेबल ऑफ द अवध 1801। तो अवध के कुछ प्रोविजन बता रहा है आपका पेपर। कहता है कि द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्टिंग देयर अलाय फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रीट्स। सही है, एब्सोल्युटली राइट। सेकेंड पॉइंट है द ब्रिटिश कॉन्टिजेंट वुड बी स्टेशन्ड इन द टेरिटरी ऑफ द अलाय, एब्सोल्युटली राइट। थर्ड पॉइंट है द अलाय वुड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज टू द मेंटेन द ब्रिटिश कॉन्टिजेंट, ऑब्वियसली राइट है। और डी है द अलाय वॉज फ्री, माइंड इट, द अलाय वॉज फ्री टू इंटर इन टू एग्रीमेंट विथ अदर रूलर्स विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। दैट स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। अलाय वॉज नॉट फ्री, अलाय वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन द रेजिडेंट एंड ही हैज नो राइट टू मेंटेन और मेक एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट विथ अदर रूलर्स अदर स्टेट्स। तो आपका डी ऑप्शन आपका गलत है, रॉन्ग है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 में डी आंसर आप रॉन्ग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द जमींदार्स ट्राई टू रिमेन यूनाइटेड ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1857। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डिड द जमींदार
zamindars try to remain united during revolt of 1857. Zamindars try to remain united during revolt 1857. Answer क्या होगा? Answer is very clear, बहुत आसान है. हम लोगों ने इस पर कई बार बातें की है, revolt 1857 की घटनाओं पर बातें की है, और हमने revolt 1857 पर ये बातें की कि किस तरीके से जमींदार जो थे वो सोच रहे थे कि हमें एक सही समय है. कुछ जमींदार ने ब्रिटिशर्स के साथ सपोर्टिव मूड में थे, कुछ जमींदार जिनकी जमींदारी अक्सल हो गई थी वो जमींदार ये सोच रहे थे कि अब समय आ गया है कि हमें ब्रिटिशर्स को यहां से निकालना है. क्वेश्चन आपका यही है कि हाउ डिड द जमींदार्स ट्राई टू रिमेन यूनाइटेड ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1857. तो रिवोल्ट 1857 के समय जमींदारों ने किस तरीके से अपने में एकजुटता दिखाई? आपसे आंसर क्या होगा? अगर आंसर लिखना है इसका, सार टाइप आंसर है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इसका आंसर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? आंसर देखिए क्या होता है इसका आंसर. इन मेनी रीजन लाइक उत्तर प्रदेश like United Province, जिसको आज यूपी कहते हैं, उत्तर प्रदेश कहते हैं, big land holders ये क्या है? ये जमींदार है. बिग लैंड होल्डर्स एंड पीजेंट्स हैड ऑफर्ड एंड पीजेंट्स हैड ऑफर्ड हैड ऑफर्ड United Resistance United Resistance in 1857 many Jamindars fought against the British Many Jamindars fought against the British unitedly as they were against the British policy
ब्रिटिश पॉलिसी तो ये हुआ आपका आंसर. आंसर आपके सामने है. इन मेनी रीजन्स लाइक यूनाइटेड प्रोविंसेस यूपी बिग लैंड होल्डर्स जमींदार एंड पिजिन्स हैड ऑफर्ड यूनाइटेड रेजिस्टेंस इन 1857. मेनी जमींदार फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश द यूनाइटेडली एंड दे वर व्हाट अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी एज दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी. कहता है कि वो ऐसे ही लड़े जैसे ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ थे. मेरे कहने का सेंस इतना ही है. व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट द ब्रिटिश पीरियड ड्यूरिंग दैट टाइम जमींदार्स दे आल्सो दे वर इन द वेरी मिजरेबल कंडीशन. द समरी सेटलमेंट्स द इनाम कमीशन that was imposed on them, the jamindars who have no legal documents, their jamindari was auctioned. Sunset law also, that was one of the difficult mode for them. If they not paid the revenue on the proper time, their jamindari was auctioned. In 70,000 jamindaris, more than 35,000 jamindari was auctioned in the absence of the legal documents. That is what the jamindars, they were totally against the British policies and British rules. So that's why they united and fought against the Britishers during revolt 1857. So aaj ke liye itna hi. Fir milenge next video mein, fir baatein karenge question number 19 se. और फिर देखेंगे किस तरीके से कितने आगे बढ़ रही है. तो गुड बाय एंड टेक केयर.